हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? आ गए हो मैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो जो मेरी आज की वीडियो होने वाली है वो थर्ड पार्ट है मेरी आइल सीरीज का। जिसने तो अभी तक मेरी पिछली दो वीडियोस देखी होंगी उनको पता होगा कि पहले मैंने लिसनिंग पे वीडियो बनाई, लास्ट मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको हेल्प कर सकती है लिसनिंग में अच्छे बैंड लेने में, और फिर मैंने रीडिंग में बनाई। अब जो तीसरी वीडियो है मेरी वो मैंने राइटिंग में बनाने जा रहा हूँ। तो राइटिंग पे पूरी मतलब जो भी मैंने आज तक मतलब सीखा है, जो मेरे दोस्तों से मैंने सीखा है, जो मैंने मतलब सर्च किया वगैरह, सब कुछ मैंने पूरी कॉपी पे लिखा है सब कुछ, और उसके बारे में मैं आपको सारा चीज़ें बताऊंगा। और मेरे सबसे कम बैंड्स राइटिंग में आए थे और वो मुझे अब पता लग रहा है क्यों आए थे। मतलब मैंने इंडिया में मुझे पता नहीं था, बट यहाँ पे जब मैं कनाडा में आया, मैंने यहाँ पे इंग्लिश पढ़ी, तब मुझे पता लगा कि मैंने उधर गलती क्या की थी। तो वो गलती मैं पूरी बताता हूँ आपको, क्या आप उस गलती से बच सकते हो, और वो बहुत बड़ी गलती है। मतलब ऐसे लिखने में सबसे बड़ी गलती वही है और बहुत लोग करते हैं, तो मैं पूरी वीडियो में आपको वो बताऊंगा। सबसे पहले तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो का लाइक हम रख देते हैं 2000 लाइक्स का। और एक लास्ट चीज ये बोलना चाहूंगा कि आपका अगर कोई भी फ्रेंड है जो आइल्स कर रहा है उसके साथ भी वीडियो शेयर कर देना, ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए, मेरे चैनल की भी ग्रोथ हो जाए। तो चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और आपको मैं बताता हूं राइटिंग की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि राइटिंग टास्क होता क्या, मतलब मैं एक मिनट के अंदर अंदर आपको जल्दी से बता दूंगा। तो राइटिंग में आते हैं यार दो टास्क। पहला टास्क होता है, एक ग्राफ दिया होता है, वो बार ग्राफ हो सकता है, पिक्टोग्राफ हो सकता है, टेबल हो सकता है, उसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है, हमने उस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके अब इंग्लिश में नीचे लिखना होता है। अब इसका ये फायदा है कि वो देख सकते हैं कि क्या हम इन्फॉर्मेशन को मतलब अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं और क्या वो लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल है, सिंपल सी बात। दूसरा टास्क है, उन्होंने एक लाइन लिखी होगी, उस पर हमें एसे लिखना है। अब ऐसे जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। सबसे मेन जो मैं बात करूंगा, देखो यार मैं आपको पूरी यहाँ पे राइटिंग बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको मेन टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ, जो मेरी गलतियाँ हुई थी उससे आप कैसे सीख सकते हो, और नॉर्मल जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो जो तो आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता है राइटिंग में डिफरेंट टाइप्स कैसे होते हैं, डिस्कशन, डिसएडवांटेज, एडवांटेज, ओपिनियन। सबसे मेन होते हैं जो ओपिनियन और डिस्कशन ऐसे, तो ओपिनियन और डिस्कशन ऐसे मेन होते हैं, ज़्यादातर यही आते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि उस ऐसे में होता क्या, जैसे उन्होंने एक लाइन लिखी होगी फॉर एग्जांपल कि एप्पल इज़ गुड फॉर हेल्थ, डू यू अग्री? अब ये ओपिनियन ऐसे है, बट यही चीज़ बोली होगी उन्होंने कि एप्पल इज़ गुड फॉर हेल्थ बट कीवी हैज़ मोर बेनिफिट्स, what do you think about this? तो ये डिस्कशन, दो चीज़ों के बारे में डिस्कशन देनी है और लास्ट में अपना ओपिनियन देना है। और ओपिनियन ऐसे में क्या होता है, हमें पहले अपना ओपिनियन देना है और उसको हमने बैकअप करना है अपने स्टेटमेंट के साथ। सिंपल सिंपल भाषा, दो चीज़ें आपको मैंने आसानी से समझा दी। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो टास्क वन होता है उसका वो क्या स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये बहुत बड़ी गलती होती है, मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। टास्क वन में सबसे पहले आती है इंट्रोडक्शन, उसके बाद आता है ओवरव्यू, उसके बाद आती है पैराग्राफ्स। टास्क वन में कंक्लूजन नहीं आता, टास्क वन जो कि ग्राफ है उसमें आपका कंक्लूजन नहीं आता। आपको इंट्रोडक्शन में बताना है कि किस बारे में बात हो रही है, ओवरव्यू में आपने मेन मेन चीज़ें कवर करनी है, जैसे हाईएस्ट पॉइंट ये था, लोएस्ट पॉइंट ये था, तो और इतने में एवरेज चल रहा था, ये ओवरव्यू हो गया। उसके बाद पूरी बॉडी पैराग्राफ में आपको सारा समझाना है, ठीक है, इस चीज़ को समझ लेना। और बात करूं मैं टास्क टू की, ऐसे की, तो उसमें इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी पैराग्राफ्स दो या तीन, या मतलब जितना आपको अच्छा लगता है, और फिर उसके बाद कंक्लूजन। तो इसमें कंक्लूजन है, टास्क वन में कंक्लूजन नहीं है। बहुत लोग कंक्लूजन लिख देते हैं, उसमें कोई मतलब नहीं है कंक्लूजन का यार, क्योंकि उन्होंने खाली इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करने के लिए बोला, उसमें आपको अपने कंक्लूजन देने की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज मैंने भी बाद में मुझे पता लगी है, शायद मैंने अपने एग्जाम में कंक्लूजन लिखी थी, तो मतलब मैं बता रहा हूं आपको कि ये गलती मत करना, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी कि ऐसे ऐसे होती हैं चीजें। तो अब बात करूं मैं कि टिप्स एंड ट्रिक्स की, तो जो मतलब पहली टिप की जो मैं बात करूं जो मैंने यहां पर लिखी है, यार देखो सबसे पहली चीज है कि लोग ना मतलब हमारे मतलब हम मैं नॉर्मल बता रहा हूं अपना भी, हम एक गलती बहुत कर देते हैं वहां पे, इट इज, देयर इज। जैसे अब मैं बताता हूँ कि एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, अब इसी के आगे हम अपनी एक लाइन देखें, देयर आर न्यूमरस बेनिफिट्स ऑफ एप्पल, अपनी तरफ से हमने बहुत अच्छा लिख दिया, बट देयर इज कि बात मतलब वो ऐसे कॉमन हो जाती है बहुत चीज़, इट इज़, देयर इज़, ये थोड़ी सी कॉमन चीज़ें हैं। इसके बजाय सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिखी है, फॉर एग्जांपल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ कैमरा, ठीक है। अब इसको अगर हम थोड़े से अच्छे वे में लिखना चाहें, हैविंग अ कैमरा इज़ इम्पॉर्टेंट, समझ रहे हो मतलब। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि
आप कभी भी कोई लाइन शुरू करते हो ना, अगर आप वर्ब प्लस आईएनजी से शुरू करते हो, वो लाइन ऑलरेडी अट्रैक्टिव हो जाती है। और ये छोटी सी जो डिटेल है, ये आपको राइटिंग में हेल्प करती है। मुझे ये चीज़ें, मैं सच बात बता रहा हूँ, मैं जो ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, मैंने सर्च की हैं, बाकी पूछी हैं, मैंने उस टाइम पे ये चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया था, तभी मेरे राइटिंग में मार्क्स कम आए। बाकी सारी चीज़ों में मैंने ध्यान दिया था, राइटिंग में मेरे 6.5 आए हैं, मतलब सबसे कम, बाकी में 7.5 और 7 थे, ठीक है। तो ये चीज़ का देखना कि जब भी आप लिखो तो इट इज़ देयर इज़, ये सारी चीज़ों के बजाय आप वर्ब प्लस आईएनजी, जो आप लाइन लिखने वाले हो उसमें अगर वर्ब है उसको आईएनजी के साथ वैसे शुरू कर देना जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दूसरी चीज़ यार देखो, अगर आप ऐसे लिख रहे हो ना, अगर आप बेसिक वर्ड्स यूज़ कर रहे हो तो आप, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बेसिक उन्होंने हमारी फॉर्मल, हमने एक ऐसे जब लिखना है एक फॉर्मल वे में लिखना है, और उन्होंने हमारी अंडरस्टैंडिंग तो देखनी है, बट उन्होंने हमारी, मतलब ये भी देखना है कि हम चीज़ें यूज़ कर भी सकते हैं या बेसिक भाषा में लिखी जा रही है मतलब। और एट द सेम टाइम हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल वोकैबुलरी नहीं डालनी। अब कुछ कुछ क्या होता है, जो सिंपल वर्ड की ज़रूरत है उस वर्ड की हमें वोकैबुलरी आती होती है कि हाँ भाई इसका वर्ड ये मतलब अच्छा वर्ड है, हम वो डाल देते हैं, वहाँ ज़रूरत तक नहीं होती, उसका यूज़ तक नहीं होता, बट जस्ट बिकॉज हमें अच्छा वोकैबुलरी यूज़ करना है, हमने सेंटेंस को ख़राब नहीं करना। अब मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स यूज़ करने की, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अब सीधे लिखा हुआ वेंट, ठीक है, ही वेंट टू द स्कूल, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बता रहा हूँ। अब ये तो मैंने जो साथ में आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, वेंट को अगर हम देखा जाए तो वेंट एक बहुत सिंपल वर्ड है, अगर हम इसको मतलब दूसरी फॉर्म में देखा जाए तो ही ट्रैवल्ड टू द स्कूल, थोड़ा मतलब थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा चीज़ डिफरेंट होगी, क्योंकि ट्रैवल की और ज़्यादा बहुत मीनिंग्स हैं, तो वो चीज़ मतलब स्ट्रांग होगी थोड़ी, समझ रहे हो। और नॉर्मल जैसे चीज़ें होंगी, जैसे मैं और एग्जांपल देता हूँ, गेट, हम कितनी बार यूज़ करते हैं गेट, गेट के बजाय अगर रिसीव यूज़ कर दें जहाँ पे यूज़ होता है, तो ये थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आ गई वर्ड की, और इसमें क्या होगा कि थोड़े से जो मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें जो है आपके ऐसे को स्ट्रक्चर उसका अच्छा कर देंगी, और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप यार कोई बहुत बेसिक चीज़ पढ़ रहे हो, मतलब ऐसा लगेगा कि एक स्ट्रक्चर्ड ऐसे पढ़ रहे हो आराम से, ये छोटी छोटी चीज़ें जहाँ जहाँ आप देखते हो। अब यार ये चीज़ें आपको सीधे सीधे एग्जाम में नहीं ठीक होंगी, आपको प्रैक्टिस के वक्त इन चीज़ों को डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपने ऐसे को एनालाइज करना पड़ेगा कि आपने गलती कहाँ की। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वहाँ वर्ड यूज़ कर देते हैं जैसे मैंने आपको बताया जहाँ ज़रूरत नहीं होती, ये चीज़ें आपको पहले ही प्रैक्टिस में डालनी पड़ेंगी। प्रैक्टिस में डालोगे जब आप, मतलब 10-15 दिन पहले आप अच्छे से जब प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, तो उनकी लास्ट में जब आप अपने आप को ऐसे को चेक करते हो उसमें ये सारी चीज़ें नोट करनी है कि छोटी छोटी चीज़ें आपने कहाँ गलत की और इसकी जगह आप क्या डाल सकते थे। और यही अगर आप 10-15 बार करोगे आपको 10-15 नई गलतियाँ मिलेंगी, और 10-15 नई गलतियाँ जब आप एंड में एग्जाम वाले ऐसे में डालोगे तो आपका ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा, राइट। मैं यही बोलता हूँ यार, हमेशा टिप्स एंड ट्रिक्स आपका सिर्फ स्कोर बूस्ट करने में हेल्प करती है, ऐसा कोई मैजिकल चीज़ नहीं हो जाती इससे यार कि आपका सीधे 6 से 9 हो जाता है, बट यही आपको छोटी छोटी चीज़ें दिमाग में रखनी है ताकि कन्फ्यूजन ना हो और गलती ना हो। तो तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ करो। ये मोस्टली आप लोगों को पता होगा बट स्टिल मैं बता देता हूँ, मेरे को ज़रूरी लगी ये चीज़ कवर करना, कि कांट, डोंट, ठीक है ना, वोंट, ये सारी चीज़ें मत यूज़ करो, ठीक है। आप सिंपल डू नॉट, कैन नॉट, ये चीज़ें यूज़ करो, क्योंकि एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ एसे है वो, मतलब फॉर्मल प्रेजेंटेशन है एक, उसमें आप ये सारी चीज़ें यूज़ करोगे, ये इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं, इससे इंप्रेशन गलत पड़ता है और उससे मार्क्स कट सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने लिखी है, 40 मिनट होते हैं आपके पास एसे में, ये मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, 40 मिनट जब आपके पास, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे के 20 मिनट उसके, 40 मिनट ऐसे के होते हैं ना यार, आप सीधे ऐसे लिखना मत शुरू कर दो, 5 मिनट लगा लो ऐसे को पूरा दिमाग में स्ट्रक्चर बना लो, आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना वो मैं अभी आपको बताऊंगा, कैसे इंट्रोडक्शन अपनी अच्छी करनी है, क्या मैंने गलती की थी, वो गलती मैं अब आपको बताऊंगा कि वो गलती थी क्या एक्चुअली, तो वो आगे बताने वाला हूँ। तो जो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको स्ट्रक्चर कैसे लिखना है ऐसे का, बॉडी पैराग्राफ में लिखना क्या, वो आप 5 मिनट लेके सोच लो, 5 मिनट से ज़्यादा मत लेना, एक दिमाग में आइडिया रख लो कि मैं इस बारे में ये करूँगा, क्योंकि वो 5 मिनट आपके पूरे के पूरे ऐसे को मतलब अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे लिखना शुरू कर दिया, उसके बाद बीच में आपको रियलाइज़ हुआ यार ये तो मैं ये कर सकता था, ये अच्छा कर सकता था, अब मैंने ये कर दिया, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी यार, बीच में इतना टाइम नहीं होता आप ये सारी चीज़ें करो, इसलिए 5 मिनट ले लो, 35 मिनट्स अगर आपके पास आइडियाज़ हैं मोर देन इनफ है लिखने के लिए। मेन बंदा मार कहाँ खाता है, आइडियाज़ कलेक्ट करने में, अगर आपने 5 मिनट लगा के आइडियाज़ कलेक्ट कर लिए हैं 30-35 मिनट्स में आपका ऐसे आराम से लिख लोगे। और ऐसे की जो लेंथ है ये मैं नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, 250 वर्ड से कम मत करना, और ये भी मत सोचना कि जितना मर्जी लिख दोगे आपको अच्छा हो जाएगा और ब्रांड मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं यार, 250 की रेंज में, 250-300 की रेंज में रखना वर्ड्स, उससे ज़्यादा मत लेके जाना। तो अगली चीज़, ये चीज़ जो मैं आप बताने जा रहा हूँ, ये इस चीज़ को ध्यान से सुनना, ये देखो
देखो यार ये मैंने गलती की है, मोस्ट ऑफ द मतलब मेरे दोस्तों ने भी, मैंने उनसे जब पूछा उनको भी ये चीज़ पता नहीं थी। जब मैं यहाँ पे आया ना, मेरा एक सब्जेक्ट था COM 101, वो इंग्लिश का सब्जेक्ट था, उसमें हमें एस्से की मतलब एस्से पूरा लिखना बताते थे। यार देखो उस इंडिया में मैंने जब भी कभी एस्से लिखा मुझे इतना पता था, एक इंट्रोडक्शन लिखनी है, दो तीन बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं, कंक्लूजन लिखनी है, बस जितना अच्छा लंबा लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बट मुझे आज तक थीसिस स्टेटमेंट, टॉपिक सेंटेंस क्या होता है ये मतलब कुछ नहीं पता था, ठीक है ना, और कंक्लूजन को कैस किस वे में लिखना आता है वो भी कुछ नहीं पता था। कि थीसिस मुझे, मैं सच बात बताऊँ मुझे थीसिस स्टेटमेंट का नहीं आइडिया था कि क्या चीज़ होती है, मतलब मैंने सुना था बट मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया था। बट जब मैं यहाँ पे मैंने पढ़ा यार, तो मुझे पता लगा कि थीसिस स्टेटमेंट और यहाँ पे जो बैकग्राउंड स्टेटमेंट होती है ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और ये यहीं पे मैंने पढ़ा, मैंने इंडिया की बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देख ली, इवन आज की वीडियो के लिए भी मैंने बहुत प्रिपेयर करने के लिए, मतलब मैं हर जगह से देख रहा था जो भी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, कहीं भी मुझे खास इतना पता नहीं लगा। वो सिर्फ ये बोलते हैं इंट्रोडक्शन में अपना पैराफ्रेज करके लिख दो, उसके बाद कंक्लूजन कर दो। देखो यार थीसिस स्टेटमेंट और बैकग्राउंड स्टेटमेंट होती क्या, मैं आपको बताता हूँ। बैकग्राउंड स्टेटमेंट होती है जो आपने पढ़ा है कि एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, उसको आपने पैराफ्रेज करके लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे मैंने एक चीज़ लिखी हुई है कि इधर मेरे को इतना सोचना ना पड़े, क्योंकि वीडियो बनाते वक्त सोचना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो जैसे देखो, डेली इनटेक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड हेल्प्स इन बूस्टिंग इम्यूनिटी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये एक वर्ड, डू यू अग्री, ये क्वेश्चन है उनका ये, मैंने, ठीक है। अब इसमें ही अगर मैं इसको बैकग्राउंड स्टेटमेंट की बात करूं, इसको बैकग्राउंड स्टेटमेंट से शुरू करना है हमने, जब भी हमने इंट्रोडक्शन शुरू करना, आप खुद देख लेना यार, आपको इससे बहुत डिफरेंस पता लगेगा। इसको हमने जो लाइन लिखी है उसको पैराफ्रेज करना है, समझ रहे हो ना, कि पहली लाइन को पैराफ्रेज जब हम कर देंगे जो क्वेश्चन को, वो हो गई हमारी बैकग्राउंड स्टेटमेंट, वो चीज़ से हमने अपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत करनी है। उसके बाद हमने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है। थीसिस स्टेटमेंट हमेशा इंट्रोडक्शन की लास्ट एक लाइन या दो लाइन होती हैं, और वो होती क्या है, अगर ओपिनियन ऐसे है, थीसिस स्टेटमेंट मतलब आपका एक ओपिनियन क्या है, वो चीज़ पे आपका पूरा एस्से बेस्ड होगा। अगर आप थीसिस स्टेटमेंट, सबसे बड़ी गलती जो मैंने, मुझे लगता है, की थी एस्से में, थीसिस स्टेटमेंट मुझे पता नहीं था क्या होती है, मैंने ऐसे लास्ट लाइन लिख दी कुछ बिना जाने, और लास्ट में मैंने एस्से में पूरा स्ट्रक्चर उल्टा सीधा कर दिया, जिसकी वजह से मेरे बैंड्स कटे होंगे। इसीलिए थीसिस स्टेटमेंट आपने ऐसे लिखनी है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको आइडिया दिया, डेली इनटेक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड हेल्प्स इन बूस्टिंग इम्यूनिटी, ठीक है। अब इसके बाद है कि इन माय ओपिनियन आई अग्री, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि ये चीज़ें जो भी आपने इसको लिखना है पैराफ्रेज करके, कि हाँ आई अग्री कि ये न्यूट्रिशियस फूड हेल्प करता है, हाउएवर एक्सरसाइज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अब देखो ये मैंने थीसिस स्टेटमेंट लिख दी, ये थीसिस स्टेटमेंट में मैंने अपना ओपिनियन दे दिया, ओपिनियन पैराफ्रेजिंग नहीं है, ओपिनियन में आप सेम लाइन को पैराफ्रेज नहीं कर सकते, आपको पूरा का पूरा अपना ओपिनियन देना पड़ेगा कि क्या आप चाहते हो, आपको वर्ड्स नए यूज करने पड़ेंगे और आपको अपना ओपिनियन देना पड़ेगा। पैराफ्रेजिंग जो है वो बैकग्राउंड स्टेटमेंट है, इस चीज़ को याद रखना। और आपने जब थीसिस स्टेटमेंट दे दी, उस थीसिस स्टेटमेंट पे आपका पूरा का पूरा ऐसे मतलब बनेगा, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ। अब मैंने जैसे डाइट ऐड कर दिया, राइट, ठीक है ना, अब डाइट ऐड कर दिया, एक्सरसाइज ऐड कर दिया, अब एक्सरसाइज पे मैं नीचे दो पैराग्राफ्स, एक पैराग्राफ एक टॉपिक पे, दूसरा पैराग्राफ मैं न्यूट्रिशियस फूड पे लिख सकता हूँ, और ये चीज़ मैं लास्ट में जाके कंक्लूजन लिख दूंगा। अब कंक्लूजन कैसे लिखनी है, कंक्लूजन जो होती है वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट की पैराफ्रेजिंग होती है, ये मैंने यहाँ से सीखा है। ये सारी चीज़ें जो है, मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ से सीखी है कि कंक्लूजन में आपको अपने थीसिस स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करके लिखना होता है, कि मैंने उस चीज़ को जो मैं बोली थी मैंने पहले स्टार्टिंग में ऐसे के, उसको कंक्लूड करके लास्ट में लिख दिया। तो ये बहुत चीज़ें छोटी छोटी बहुत हेल्प करती है, मतलब अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आई, एक बार दोबारा आप वीडियो थोड़ी सी पीछे जाके देखो, मैंने एक एक चीज़ मतलब मेरे हिसाब से मैंने प्रॉपर सारा समझाया आपको, ये चीज़ आप ध्यान से देखना, और ऐसे में बिल्कुल गलती मत करना, और इसकी प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर देना, जब जब आपका एग्ज़ाम, चाहे लेट भी है जो भी है, थोड़ी चीज़ें आप ऐड करनी शुरू कर देना, आपको अपने एस्से में ऑटोमेटिकली डिफरेंस दिखेगा। और अगर आप किसी से अपना एस्से चेक करवा सकते हो जो कि मतलब एक्सपीरियंस्ड है इस चीज़ में, तो आपको वो ज़रूर बोलेगा कि आपके एस्से में डिफरेंस दिख रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ बिल्कुल भी गलती मत करना। और एक चीज़ है कि अवॉइड रिपीटिंग मतलब वर्ड्स, जैसे अब सेम वर्ड अगर आप बीच में ऐसे के यूज़ कर रहे हो, उसके बजाय उसका थोड़ा सा सिनोनिम यूज़ कर लो, या कोई और चीज़ यूज़ करो जो कि डिफरेंट हो थोड़ी। सेम वर्ड्स अगर आप यूज़ करते जा रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव लगता है, तो वो इतना अच्छा ऐसे नहीं लगता। मतलब मेन जो है यार, टास्क वन टास्क टू राइटिंग का, टास्क वन जो है वो ईजिली, मतलब मुझे लगता है कि मोस्टली लोगों को टेंशन नहीं होती, बट जो ऐसे है वो चीज़ में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, मतलब ये सारी चीज़ें अगर आप अप्लाई करोगे ना, मेरे को लगता नहीं है यार कि आपका मतलब बैंड्स बूस्ट होंगे ही होंगे, ये मेरी गारंटी है। बाकी आपको प्रिपरेशन ज़रूरी है यार, इस चीज़
अगर आपको मतलब अब ये जो चीज़ें हैं ये आप तब अप्लाई कर सकते हो जब आपको ओपिनियन ऐसे का पूरा स्ट्रक्चर पता है, डिस्कशन ऐसे का पूरा पता है, एडवांटेज. अब वो स्ट्रक्चर्स आपको, वो तो आपकी पढ़ाई का सीन है, बट ये चीज़ें जो मैंने आपको यही बताया था कि टिप्स एंड ट्रिक्स पे होंगी, क्या चीज़ें स्कोर इन्हेंस करती हैं. आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, जैसे कि आपको जहाँ पे भी आप खुद से कर रहे हो या फिर किसी बुक्स को रेफर कर रहे हो या फिर किसी इंस्टीट्यूट जा रहे हो, उसके बाद ये चीज़ें आपको अपने उसमें मतलब डेली उसमें डालनी है ताकि आपको पता लगे कि ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं या नहीं करती हैं, और एनालाइज करवाना है जिससे भी आप चेक करवा सकते हो चीज़ें. तो यही था, बाकी आपको कुछ चीज़ें मैं और एक्स्ट्रा बता देता हूँ. देखो जो मैंने लिख के रखी है कि ओपिनियन ऐसे जो होता है उसका मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, सबसे पहले इंट्रो, फिर उसके बाद टू सपोर्टिंग पैराग्राफ्स, एक लास्ट में अगर आप पैराग्राफ तीसरा पैराग्राफ डालना चाहो वो आप ये डाल सकते हो कि दूसरे क्या सोचते हैं. अगर मैंने सोच लिया कि एक चीज़ ऐसी ही है तो उसका दूसरा ओपिनियन क्या है, उसमें आपने ये नहीं बोलना है कि आप क्या सोचते हो वो वैसा सोचते हो, वो आपका ओपिनियन गलत हो जाएगा अगर आपने जो चीज़ थीसिस स्टेटमेंट में लिख दी है उस पर ही आपने अपने होल्ड रखना है, उसको मतलब अपने डटे रहना उस चीज़ पे. बट जो आप दूसरा लिखोगे उसमें, मतलब तीसरा पैराग्राफ जो आप कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए लिखोगे, वो अपने दूसरों को व्यू बताना है, ना कि अपना व्यूज उसमें डाल देना है कि हाँ भाई मैं ऐसा भी सोचता हूँ. अगर आप लिखोगे हाँ ऐसा भी सोचता हूँ तो आपका ओपिनियन ही बीच में गड़बड़ा गया, तो वो चीज़ मतलब बैंड्स कट जाएंगे, ध्यान रखना. और डिस्कशन ऐसे, जैसे कि आपको पता ही यार पहले इंट्रोडक्शन हमने जो उन्होंने दिया होगा वो पूरा, जैसे हमने बताया थीसिस स्टेटमेंट वो चीज़ें, और पूरा डिस्कस करके लास्ट में अपना ओपिनियन देना, इस चीज़ को नोटिस करना, बस यही है. बाकी यार डिसएडवांटेज एडवांटेज ऐसे आपको पता ही है कि उसमें भी मतलब पैटर्न्स वगैरह तो आपको यार कहीं से भी पता लग जाएंगे, वो तो आप यूट्यूब वीडियो भी सर्च करोगे, बट ये टिप्स एंड ट्रिक्स का होता है कि मतलब मैंने कई ज़्यादा जगह से इकट्ठी करके अपनी अपना ओपिनियन दे के, मतलब अपने फ्रेंड से पूछ के एक जगह में वीडियो में डाली है ताकि आपको हेल्प हो. यार होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी आपकी हेल्प हुई होगी, थोड़ी नई चीज़ें पता लगी होंगी, एटलीस्ट एक चीज़ तो पता लगी होगी. अगर आपको कोई नई चीज़ पता लगी है ज़रूर कमेंट करके बताना, मतलब वीडियो में अगर आप कमेंट कर देते हो मेरे को पता लगता है यार हाँ भाई वीडियो अच्छी बनी है और एफर्ट जो है वो थोड़ा सा मतलब ठीक रहा. और लाइक कर देना वीडियो को, जैसे मैंने आपको बताया 2000 लाइक्स का एम है, मुझे पता आप कर दोगे. और बाकी यही था यार आज की वीडियो के लिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, हैव अ गुड वन, कल मिलते हैं स्पीकिंग की वीडियो में.